है कि मोदी जी सांप्रदायिक, और पाकिस्तान अब मित्र तो रहा नहीं चाइना का, पाकिस्तान अब कॉलोनी है चाइना, मोदी जी सबके लिए काम कर रहे, चाइना नहीं लड़ेगा, हम बजा रहे हैं उसके टक्कर, अभी दिवाली आएगी और कराची जो शहर है पाकिस्तान का, वहां पे चीन की अपनी एक बस्ती है जहां पर पाकिस्तानी भी जाकर नहीं बस सकते। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आचार्य चाणक्य का बोर्ड आज मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अवध ओझा जी, अब इतिहास विषय के शिक्षक हैं और देश भर में इस विषय पर व्याख्यान के लिए आपके दौरे होते हैं। आप युवराज समुदाय में खासे लोकप्रिय हैं और अपनी अनूठी अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं, तो आज ऐसे ही समसामयिक विषयों पर हम उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर, द फोर्थ पिलर पर आपका स्वागत है। सर मैं नमस्कार, इंटरव्यू के लिए आप पे थोड़ा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहा था, तो मैंने वहां देखा कि आप अपने कुछ लेख के नीचे आपका नाम लिखा होता है काफिर अवध, तो मैं जानना चाह रहा था ये काफिर अवध का क्या, जिनके आप खुद को मध्य पूर्व की दिशा से देखते हैं? नहीं 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 मध्य पूर्व की दिशा तो नहीं देखता है, एक्चुअली इंसान को जो है वो की जो क्षमता है वो भगवान बनने तक की क्षमता है, तो लगभग जितने भी धर्म हैं दुनिया में तो वो सारे के सारे इस सिद्धांत को मानते हैं। जैसे हिंदुइज्म मानता है कि हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है लेकिन वो ब्रह्म तक पहुंचने की स्थिति रखता है, इस्लाम भी यही मानता है। और मेरी माता जी मुझे मैं ज्यादातर धार्मिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता था तो मुझे काफिर कहती थी। अच्छा। कि तू तो काफिर है, निकम्मा है, तो फिर वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल काफिर एक राइट वर्ड है मेरे लिए, क्योंकि एक टीचर को जैसे कि अभी आपने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में होता है, तो शिक्षक से एक बहुत ही अच्छे आदर्श की कामना करता है समाज। जी जी, तो मैं उस पर खरा उतरूं ये समाज डिसाइड करेगा, लेकिन मैं ये इंसान हूं ये मैं डिसाइड करूंगा, तो मैं वो काफिर अवध लिखता हूं। तो सर दूसरा मैं कह रहा था कि ये काफिर इंसानियत और ये जो फिलहाल दौर है इसमें एक पक्ष द्वारा अच्छा खासा ये एक डिस्कशन चलता है, तो मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि मोदी सरकार और सांप्रदायिकता, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? अरे नहीं विक्रांत जी, मोदी सरकार और सांप्रदायिकता, आप तो ऐसे आपके अनुसार तो सांप्रदायिकता के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। ना, ना, नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, नहीं है, मैं बस जानने के लिए पूछ रहा था। जब हम जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए, राष्ट्रवाद शुरू हुआ 1857 के बाद, जी जी, और 1857 के विद्रोह में जो सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य ने इस संप्रदायवाद को जन्म दिया। संप्रदायवाद बेसिकली एक अस्त्र है साम्राज्य के हाथ में, इस बात को समझिएगा कि संप्रदायवाद बेसिकली एक अस्त्र है साम्राज्य के हाथ में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे गौर करेंगे कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद का विकास होगा भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, साथ साथ संप्रदायवाद का भी, इस संप्रदायवाद का जो पहलू है वो ये है कि अंग्रेजों को ये बात पता थी कि मुसलमान इस देश में अभी भी कमजोर है, 500 साल राज करने के बाद उन्होंने मुसलमानों को पकड़ लिया और उन मुसलमानों को जो राज मतलब सामंती तत्व के मुसलमान थे वो, ठीक ठीक, और फिर वहीं से संप्रदायवाद की शुरुआत और 1906 मुस्लिम लीग और कहानी बढ़ती चली गई। जब देश आजाद हुआ तो हालांकि संप्रदायवाद के विपक्ष में बड़ा जोर शोर से नारा दिया गया और सब कुछ किया गया, और हमारे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पाकिस्तान बनने के बावजूद बड़ी छूट दी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को, और उस छूट का उद्देश्य ये था कि धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय भारतीय परंपरा, भारतीय संविधान, भारतीय कानून से एकीकृत होता चला जाए, पर वो ऐसा नहीं हुआ और फिर ये दौर चलता रहा। तो मोदी जी और संप्रदाय, मोदी जी चूंकि बड़ा स्पष्ट तौर पर अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं अपनाते, उनका स्पष्ट है सबका साथ सबका विकास,
वो किसी वर्ग विशेष की अपीजमेंट नहीं करना चाहते, तो लोग कहते हैं कि मोदी जी सांप्रदायिक है। ऐसा कुछ भी नहीं, मोदी जी सबके लिए काम कर रहे। अभी परसों मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वो वर्षगांठ मनाई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो सरकार की, इस सरकार के पिछले 6 साल इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं इस दौर में, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो मोदी जी के एज अ प्रधानमंत्री के रूप में मैं बड़ी उनकी सराहनीय करता हूँ बड़े सारे मुद्दों को लेकर, और ऐसे ऐसे मुद्दे उन्होंने लिए हैं और उस पर उन्होंने काम किया है जिस पर शायद किसी का साहस नहीं था। जैसे 370 का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, और उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर पर भी फैसला आया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन बड़े सारे फैसले मैं देखता हूँ वो ऐसे फैसले करते हैं जो फैसले पिछले 70 साल में किसी के करने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि बड़े क्रांतिकारी वो फैसला करते हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी कल परसों में शायद उन्होंने इस बात को कहा। आर्थिक फ्रंट पर थोड़ा सा हम झटका खा रहे हैं, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी पूरी मोदी सरकार की नहीं है। 5 साल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ये तुरंत नहीं बदलती सर। लेकिन डिमोनेटाइजेशन की तो पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की ही थी। और हाँ, डिमोनेटाइजेशन की सरकार की जिम्मेदारी, अभी जो डिमोनेटाइजेशन के आंकड़े हैं उनसे लगता है जैसे मतलब डिमोनेटाइजेशन एक तरह का फेलियर था। तो भले ही क्रांतिकारी चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ क्रांतियां अतिरिक्त हुई हैं क्या? नहीं, क्रांतियां देखिए ऐसा होता है ना कि जब भी कोई राजा प्रयोग करता है, जैसे अकबर ने प्रयोग किया दीन इलाही तौहीद इलाही को लेकर, लेकिन जब उसने प्रयोग किया और प्रयोग करते करते वो जब 1580 तक पहुंचा तब तक उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब हमने डिमोनेटाइजेशन मोदी सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया। हमें लगता है कि जो कमी कहीं पर रही वो होमवर्क में रही, इम्प्लीमेंटेशन में रही। और सर होमवर्क से ही मैं एक और प्रश्न आता है कि ये जो कोरोना का समय है, इसमें जो लॉकडाउन हुए लगातार 1, 2, 3, 4 और अपनी तरफ से सरकार ने जो भी प्रयास किए, लेकिन क्या इसमें भी होमवर्क की कमी थी? क्योंकि जो हालात उसके बाद देखे गए हैं, है ना, मतलब कोरोना के दौरान जो हालात चल रहे हैं अभी भी मजदूरों के या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, तो यहाँ भी क्या आप तैयारियों की कमी देखते हैं? नहीं, तैयारी की कमी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं देखता। मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि कुछ जैसे कभी कभी होता है ना कि डॉक्टर कहता है कि भाई इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाकी की बाद में सोचेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े सारे ऐसे सारे ऑपरेशन होते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर कहता है कि विचार करने का टाइम नहीं है। ठीक है, ये वैसा था अब इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम लॉकडाउन का मतलब था लर्निंग। अच्छा, जो लॉकडाउन का मतलब था वो ये था कि इस देश की बहुसंख्यक जनता को ये बताना था 1-2 महीने में कि भाई साहब ये है संकट, और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये ऐसा सोच रहा होगा कि इमीडिएट लॉकडाउन करो, नहीं तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी, और जनता को अवेयर कर दो। तो जो उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया आत्मनिर्भर, जी जी, सबको पता है कोरोना क्या है, अब सबको पता है प्रिकॉशन लेना है, तो वो जागरूक, अब जो गेंद है वो जनता के हाथ में है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा सफर किया है प्रवासी मजदूरों ने। प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति हुई है, पूरे शहर के शहर खाली हुए हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास का क्या भविष्य है, आपको क्या लगता है क्या भविष्य होगा? नहीं, जैसे कि ज्यादातर सब यूपी बिहार से ही हमारे मजदूर भाई थे, यूपी बिहार उड़ीसा बंगाल वगैरह से, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात चल रही है, अब वो बात बात ही रहेगी या उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी आदमी, जैसे लिबरलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिला सदर्न स्टेट्स को, जी जी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर भारत, तो उसको लिबरलाइजेशन का कोई फायदा ही नहीं मिला। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से स्किल्ड मजदूर भी गए, नॉन स्किल्ड भी गए,
अब सरकार का काम ये था कि सरकार को जब ये पता चला लॉकडाउन खुलेगा, मजदूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि मजदूरों को जो आवास है एक कमरे में 15 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सूचना के स्तर पर सरकार और मजदूरों के बीच में कनेक्शन टूटा। हाँ। एक अफवाह फैली होगी, वो जो संपर्क होता है कि सरकार और एक वर्ग के बीच में संपर्क, वो वहां पर सरकार की शायद गलती मानी जाएगी कि सरकार अपने संदेश को पहुंचा नहीं पाई कि हम ऐसा करेंगे, लॉकडाउन के बाद ट्रेनें चलाएंगे, आपको घर पहुंचाएंगे और ये व्यवस्थाएं करेंगे, वहां पे शायद थोड़ी बहुत चूक सरकार की हुई है। हाँ सर, बिल्कुल चूक हुई है और मुझे तो ऐसा लगता है चूक जारी है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो उत्तर कोरोना काल होगा, जब भी होगा उत्तर कोरोना काल जो होगा, उसमें भारत के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं आप? भारत के लिए तो सबसे बड़ी संभावना यह है कि अगर आप गौर करें कि जो डेथ रेट है कोरोना की, वो भारत में सबसे कम है। हाँ। मेरे दो स्टूडेंट हैं, मायूर राजपूत भिंड का लड़का है और एक श्रेयस उपाध्याय बरेली का लड़का है, दोनों की रिपोर्ट भी मेरे पास है, दोनों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, और योग और ये जो हमारे किचन की दवाइयां हैं, इससे दोनों कोरोना नेगेटिव हुए। अच्छा, बिना हॉस्पिटल गए क्या? नहीं, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल की वही की तो सारी रिपोर्ट है, भिंड का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मायूर राजपूत एडमिट था। ठीक ठीक। तो वो करीब 11 दिन हॉस्पिटल में रहा और दवा तो खैर इसकी है ही नहीं, तो दवा क्या देंगे, वो एक आइसोलेशन में रखते हैं, जो जुखाम बुखार की दवा है वो देते हैं वो। लेकिन ये जो काढ़ा का प्रयोग है और भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम है, इसने शायद बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन सर ये तो जो कोरोना के बताएंगे, जो कोरोना के पश्चात भारत की स्थिति ये है, कई सारी चीजें कोरोना भारत को लेकर आया कि उसने कई सारी चीजों भारत के सामने रखी कि भैया देखो, एक तो आपका मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जो बेसिक सिस्टम्स होते हैं किसी भी राष्ट्र के, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, और ये सिस्टम एक दिन में नहीं बनाए जाते। ऐसा नहीं कि एक दिन में बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को वो जो हमारा जिसको हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जी 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 जी। और सर ये जो कोरोना काल है, इससे मानव जाति को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख मिलती है? अगर आप बेहोश होकर जिएंगे, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, वो तो है। कोरोना हर उस आदमी की जान ले लेगा जो बेहोश है। बेहोश से मतलब? तो सबसे बेहोश का मतलब यह है कि जैसे हम ध्यान की बात, भारत की जो परंपरा वो ध्यान की परंपरा है, ध्यान मतलब जागरूकता। कोरोना ने कहीं ना कहीं मानव जाति को जगाया है। हाँ बिल्कुल, कहीं जलवायु क्लाइमेट को लेकर जगाया है, इकोनॉमी को लेकर जगाया है, लोगों की दशा को लेकर जगाया है। तो मैं तो कहूंगा एक गुरु की तरह आ गया वो, जैसे गुरु होता है कि आप सो रहे हैं गहरी निद्रा में है, उसका काम किया कोरोना ने। और सर लेकिन कोरोना से एक और बात पता चलती है, मैं वो आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये जो चीन के वैश्विक दुष्प्रभाव है, चीन के जो वैश्विक दुष्प्रभाव है, आप इन्हें कैसे देखते हैं? नहीं, जब भी देखिए, जैसे शहर में होते ना बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जो स्थिति शहरों की होती है वही स्थिति विश्व की होती है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब जो पुराने ठेकेदार होते हैं वो किसी भी नए ठेकेदार, जैसे पहला विश्व युद्ध है, वो विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पुराने ठेकेदार है, ब्रिटेन पुराना ठेकेदार है, फ्रांस पुराना ठेकेदार है, यूएस पुराना ठेकेदार है, उसमें एक नया ठेकेदार उभर रहा है, जर्मनी। कह रहा भैया हमें भी ठेका पट्टा चाहिए, हम भी रेलवे लेंगे, हम भी पीडब्ल्यूडी लेंगे। तो इन पुराने ठेकेदारों ने मिलकर पीटा उसको कि नहीं देंगे। ठीक है ठीक है। फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए, ये फिर एक नया ठेकेदार उभर रहा है, जापान। एशिया फॉर एशियंस, पूरा एशिया हमारा है, चीन पर हमारा कब्जा रहेगा, भारत हमारा है। फिर इन पुराने ठेकेदारों ने मिलकर पीटा इसको, फिर एक नई विश्व व्यवस्था पैदा हुई, अमेरिका और यूएसएसआर एक ताकत बनकर उभरे और इनका एक लंबे समय तक वर्चस्व रहा। फिर यूएसएसआर का विघटन हुआ, दुनिया की पूरी ताकत अमेरिका के हाथ में आई, लेकिन ये चक्र है। फिर चाइना ने अपने आप को बड़ा सुधार किया और कई सारे फ्रंट पे उसने भी बड़े क्रांतिकारी काम किया और अब चाइना एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा।
अब पहला सवाल यह है कि ये सबसे क्लियरिफाई करना जरूरी है कि कोरोना बीमारी निकली थी या चीन का षड्यंत्र था। अगर चीन का षड्यंत्र था तो पूरी दुनिया फिर चीन के खिलाफ हो जाएगी। नहीं सर, चीन ने क्रांति तो की, लेकिन क्या चीन बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में भारत चीन संघर्ष की नौबत आई है और अक्सर ऐसा सारे पड़ोसी देशों से उसके साथ ऐसा होता है, तो ये तो क्या है? नहीं, इतिहास में विक्रांत जी एक फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू ई, जी जी, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। ठीक है, जब भी कोई मुल्क आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वो विस्तार करेगा। जैसे आप ब्रिटेन देखिए, 1750 के बाद, 1850 तक पूरी दुनिया पर उसका कब्जा। ठीक है, फिर आप देखिए 1850 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उभर रहा है और 1950 के बाद पूरी दुनिया पर उसका कब्जा। ठीक है, अब वही स्थिति चाइना की भी आ रही है। लेकिन सर, लेकिन ब्रिटेन का वक्त अलग था, तब पूरी दुनिया इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को नहीं जानती थी। अमेरिका का वक्त अलग था और आज के देश में तो लगभग पूरा विश्व और जनमानस एक जागृत जनमानस है। अब साम्राज्यवादी तरीकों से मुल्कों को नहीं जीता जा सकता, अब वो संभव ही नहीं है। सर, ये भले ही एक कालक्रम हो, आपने बताया कि ई बराबर ई होगा, है ना, इकोनॉमी बराबर एम्पायर होगा, लेकिन क्योंकि हम चीन नहीं है, हम भारत हैं, तो हमारे पास इससे निपटने के कुछ संसाधन भी होने चाहिए। तो चीन से निपटने के भारत के पास क्या तरीके, इसे थोड़ा बृहद तरीके से आप स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको थोड़ा सा पीछे भी आ जाऊंगा कि जो हमारा अभी स्टैंड ऑफ चीन के साथ चल रहा है, ये बहुत पुराना स्टैंड ऑफ है। हम जो है वो अर्गा जॉनसन की लाइन को मानते हैं, वो मैकार्टने लाइन को मानते हैं, ये पूरा स्काई चिन का जो विवाद है हमारा, और स्काई चिन अब चाइना के लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीपीईसी निकाल रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके थ्रू चाइना फिर वो पुरानी सिल्क रूट पर कब्जा करने के फिराक में है। वो सारे ऑयल के खदान और गैस के भंडार, वो सब कुछ चाइना अपने हाथ में लेना चाहता है। तो जब भारत ने ये जो पंगोंग सो लेक है उसके आसपास वो जो फिंगर एरिया जहां पर भारत ने रोड बनानी शुरू की, बस वहीं पे चाइना ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दी। चाइना भी वहां रोड बनाना चाहता है। अब वो एरिया जिसके कब्जे में होगा तो वो पूरा सीपीईसी का पूरा इशू उसके हाथ में होगा। ठीक है, और पूरी दुनिया और सारे देश एनर्जी पे टिके हुए हैं, जिसके हाथ में एनर्जी वो सुपर पावर। अब चाइना को लगता है, अच्छा इस बीच भारत ने एक कदम और भी उठाया था कि गिलगित और बल्तिस्तान के क्लाइमेट को दिखाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक अफवाह ही कही जा सकती है। और पाकिस्तान अब मित्र तो रहा नहीं चाइना का, पाकिस्तान अब कॉलोनी है चाइना की। अच्छा, ये स्पष्ट मानते हैं आप कि अब मित्र वाली कोई बात नहीं, अब कॉलोनी वाली बात? देखिए विक्रांत जी, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मोदी जी का मित्र हूं तो आप मुस्कुरा देंगे और आपके दिल में पता होगा कि मित्रता हमेशा समान और बराबर वालों के बीच में होती है। अच्छा, ये मित्रता का सिद्धांत है। अच्छा, इसलिए आप मतलब, हाँ सही है, ऐसा बिल्कुल समझा जा सकता है। तो मित्रता का बड़ा कुछ चीजें वो सिद्धांत पे चलती हैं। ठीक ठीक ठीक। अब मोदी जी किसी जगह पर कह दे मैं ओझा जी को बहुत मानता हूँ, तो वो उनकी बड़प्पन है। और ये या मैं उनके लिए 5 करोड़ वोट इकट्ठा कर दू, फिर वो कहे ओझा जी मेरे मित्र है, तो फिर मैं उनके लिए उपयोगी हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो पाकिस्तान इतना उपयोगी है चाइना के लिए, सीपीईसी को लेकर उपयोगी है, भारत को लेकर उपयोगी है, उसकी उपयोगिता बहुत है। अच्छा, और कराची जो शहर है पाकिस्तान का, वहां पे चीन की अपनी एक बस्ती है जहां पर पाकिस्तानी भी जाकर नहीं बस सकते। ये दोस्ती हुई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो हाँ कराची का एक हिस्सा जो, अच्छा, जो चीनियों के कब्जे में है। ठीक, कराची में वहां पाकिस्तानी नहीं जा सकते, वहां पाकिस्तानी नहीं बस सकते। तो सर, मैं दूसरी एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि ये चीन से निपटने के भारत के पास क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एरिया देखे हैं हम और उसके ये जो साम्राज्यवादी नीतियां वो अपना रहे हैं जगह जगह पर, तो भारत के पास ऐसे क्या तरीके हैं कि वो चीन से अपना बचाव कर सके और अपना भी विकास कर सके? पहला तरीका तो हमारा ये है कि हम अपनी सेना जो हमारी है उसको अच्छे स्तर पर रखें।
जिसमें शायद मोदी जी ज्यादा सक्षम है और स्थिति में भी है। दूसरा ये है कि जब भी कोई नया ठेकेदार उठता है तो जो पुराने ठेकेदार होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि इसके किसी दुश्मन से ही इसको बैलेंस करवा दो, हमें ना लड़ना पड़े। अच्छा, तो ये जैसे जापान ने जब उठना शुरू किया तो पश्चिम ने तुरंत चाइना को बैक करना शुरू किया। आप देखेंगे 1911 में 12 में चाइना रिपब्लिक बनकर उभर रहा है। जैसे जैसे जापान को आप देखेंगे कि जापान के अंदर दादागिरी और ऐठन उभरनी शुरू होती है, वैसे वैसे पश्चिम जो है चाइना को बैक करना शुरू करता है। और 1921 में जो वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस होती है उसमें चीन को आजाद कर दिया जाता है। यही भारत के साथ हो रहा है। तो भारत के साथ अब सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो पुराने ठेकेदार हैं वो उनको अगर चीन को कंट्रोल करना है तो वो भारत के साथ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक, नहीं तो उनकी ठेकेदारी चली जाएगी, वो खतरे में, जब फिर तो नया शहंशाह चीन हो ही जाएगा, ठेकेदार आ ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो बेसिक अर्थव्यवस्था की संरचना है, कम से कम हम अपने घर में केलॉग्स तो बना ही सकते हैं ना। भारत कृषि प्रधान देश है। जी जी, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर हम कॉर्नफ्लेक्स बाहर से मंगाएं, मैं अभी जब लॉकडाउन से पहले मॉल में गया तो स्लीपर्स मिल रही थी वहां पे, तो एक शोरूम स्लीपर्स का था, मैं स्लीपर के शोरूम में गया तो मेरी आदत है टैग देखने की, तो मैंने कहा भैया ये, कहा भैया ये तो चाइना की स्लीपर था लेकिन है बड़ी अच्छी, कंफर्टेबल बहुत। हमने कहा हम नंगे चलेंगे नहीं पहनेंगे। तो मुझे उस दिन इस बात पर यह दुख हुआ कि स्लीपर तो हम बना ही सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं कि चाइना से जो ज्यादा चीजें आ रही हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इन अ बीक और हार्डवेयर इन अ ईयर, वर्कआउट मेड इन चाइना, ऐसे करके कुछ लोग इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो उनका क्या भविष्य हो सकता है, अर्थव्यवस्था के रूप से वो कितने कारगर होंगे, भारत कैसे उन्हें ले पाएगा, इन सारी बातों पर। नहीं, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप कर ले जाए, सिर्फ स्मॉल स्केल, अगर हम अभी ये बातें करें कि हम बोइंग बनाएंगे और ये बनाएंगे तो वो अभी हमारे लिए अच्छी चुनौती है। हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, आने वाले समय में बनाएंगे, लेकिन जो जितने सुधार बेसिक्स से होते हैं, बेसिक्स, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करें, हम अपने स्मॉल स्केल सेक्टर को मजबूत करें, अगर हम सिर्फ ये दो कर ले जाएं तो आप समझ लिए अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत हो जाएगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां के लिए सोर्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए राजनीति के साथ साथ जनमानस को भी जागरूक होना बहुत जरूरी होगा। और कोई रास्ता सुझा सकते हैं आप जागृति के लिए? नहीं, सबसे पहला से दो तीन बातें तो मैं खुद ही से सोचता हूं कि अगर हमारा देश, हमारी सरकारें पावर सेक्टर पे काम कर दें, पावर, जी जी, इंडस्ट्री डिपेंड ही करती है पावर पे, ठीक है, जैसे सरकार को फैक्ट्रियां नहीं लगानी है, लेकिन मान लीजिए मैं एक यूनिट लगाता हूँ यूपी में, ठीक है, और लाइट सिर्फ 2 घंटे आती है तो मैं एज अ एंटरप्रेन्योर तो खत्म हो जाऊंगा। वो केवल बिजली ला दे इतना भी बहुत होगा, बस स्किल डेवलप करा दे, पावर डेवलप करा दे। ये जो हमारी जनमानस एसएससी का एग्जाम दे रही, बैंक का एग्जाम दे रही, क्लर्क का एग्जाम दे रही, हमारे एक नॉर्थ इंडिया में, शायद साउथ इंडिया में भी ऐसा है कि हमारे यहाँ नौकरी का मकाले को तो ऐसा पकड़ रखा है हमारे देश के लोगों ने कि जैसे लगता है कि इस देश का आदमी नौकर बनने के लिए पैदा ही हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नौकरी ठीक है, जिसको मिल जाए नौकरी बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी के लिए ट्राई करिए, लेकिन आप देखिए क्या मानसिक दशा है हमारे देश के समाज की कि नौकरी भैया, मतलब एक जो सीजीएम का चपरासी है उसको शादी में होंडा सिटी मिलेगी, कहेंगे भैया सीजीएम का चपरासी है, 500 रुपए एक आदमी देकर दिन में जाएगा तो 10,000 रुपए 20 आदमी पे कमा लेगा, 3 लाख रुपए तो ऐसे कमाई हो जाएगी, सैलरी भले 25,000 है, जिंदगी आराम से कटेगी। इस मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं, उठना तो पड़ेगा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कुछ कोई तरीका दिखता है आपको कि ऐसे होगा ये, या एक अपने आप समय के साथ ऐसा होगा, या कुछ किया जा सकता? नहीं नहीं, समय के साथ नहीं होगा, नहीं नहीं बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने एक नौजवान क्रांति शुरू की है। अच्छा। मैंने अपने एपिसोड शुरू किए हैं, उसमें लोगों को बताना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं किसी भी देश के उत्थान में उस देश का जो इंटेलेक्चुअल तबका, उसकी बड़ी भूमिका होती है। जी जी बिल्कुल।
जो जागरूक जनमानस है उसकी बड़ी भूमिका होती है कि कहीं भी आप देखिए, चाइना में देखिए, हिंदुस्तान की अगर आजादी की लड़ाई देखिए, तो अगर आप राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर और भीमराव अंबेडकर, इनको हटा दें तो कोई कौन आता बाहर लड़ने के लिए? सर, देश का जो एकदम घोषित वाला बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो देश में सांप्रदायिकता है, अराजकता फैली हुई है, यही साबित करने में लगा हुआ, तो ये वाला काम वो कैसे करेगा? देखिए, एक होता ना थिंक टैंक, मैंने एक वर्ड था थिंक टैंक, वो जो पुराने टैंक वैंक के किनारे बैठते थे लोग, शराब वराब भरी होती थी, ग्लास में निकाल के शराब पी रहे, वो थिंक टैंक है। अच्छा, ठीक, वो अलग लोग हैं, उनको तो आप जाने दीजिए। वो जो पेड इंटेलेक्ट, एक होते हैं पेड इंटेलेक्चुअल जी, जिनका काम होता है किसी के पक्ष में बात को बनाना, किसी के पक्ष में बात को बिगाड़ना, जी जी जी, उनका को तो कोई उपयोगिता ही नहीं होती देश में। ठीक ठीक, उनको हायर किया जाता है कि या तो तुम भैया इस बात को इस पक्ष में बनाओ, या तो तुम इस बात को इस पक्ष में बिगाड़ो। मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की, मैं जैसे हमने पंजाब, मैं पंजाब गया, मैंने पंजाब में देखा कि वहां के लड़के जो है ज्यादातर तो कनाडा भागना चाहते हैं, लेकिन लोकल बिजनेस पे बड़ा ध्यान है। अच्छा, मेरा एक पुराना स्टूडेंट है आयुष खुराना, अच्छा अच्छा, मोदीनगर में, उसने बड़ा प्यारा डेयरी लगा रखा है, डेयरी फार्म लगा रखा है। अच्छा, हाँ, मैं मतलब अभी प्रेजेंट बात यही मोदीनगर, आपके गाजियाबाद के आगे मोदीनगर है, तो वहां पे उसने बड़ा जबरदस्त डेयरी फार्म लगा रखा और दूध के सारे प्रोडक्ट्स और मतलब जितना हो सकता, और एक जबरदस्त छोटी सी एंटरप्रेन्योरशिप कर रखी है उसने, और मेरे ख्याल से महीने की 4-5 लाख रुपए की इनकम है उस लड़के की। तो बताइए, 4-5 लाख रुपए कौन सी नौकरी आपको सैलरी देगी? सही बात है, बिल्कुल। सैलरी तो सर, सैलरी के लिए नौकरी कौन करता है भारत में? तो ज्यादातर अवसर ये होते हैं ना कि आपकी ऊपर की कमाई कितनी है। क्लरिकल की नौकरियां जो आप बता रहे हैं जिनके लिए इतनी भीड़ लगी है ना, तो उनके लिए सैलरी के लिए थोड़ी होता होगा, सामान्य समझ मेरी तो ये कहते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा देश का, अब युवा हमारे पास बहुत है, हमारा जो सबसे बड़ा होप है वो है युवा। जी जी, युवा हमारे पास बहुत है और हमें जरूरत है उस युवा को सिर्फ दिशा देने की। जी, मैं, आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं एक ही बात लड़कों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ भैया मैं पढ़ाता उड़ाता तो नहीं, आप जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता उड़ाता तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं लड़कों से ये कहता हूँ कि आप योगा करिए और ध्यान करिए, मानसिक और शारीरिक ताकत का विकास करिए, बाकी ताकतें अपने आप विकसित हों। तो हम युवाओं को, हाँ हाँ, ये तो अच्छी खासी बड़ी सीख है, और क्या पढ़ाइएगा, ये सच में एक गुरुत्व वाली बात होगी ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी अंदर से ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं जो समझ पाया वो ये है कि कोरोना, प्रवासी मजदूरों का विस्थापन, स्मॉल इंडस्ट्री की शुरुआत, और फिर चाइना से मतलब टक्कर लेने की स्थिति में हम आ सकते हैं। चाइना नहीं लड़ेगा, हम बजा रहे हैं उसके टक्कर, मतलब टक्कर का मतलब ऐसे नहीं, टक्कर मतलब आर्थिक रूप से हम खुद को इतना समृद्ध कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉर तो वॉर ऐसे नहीं होती है, वॉर के अपने कंडीशंस होते हैं। अच्छा, तो वॉर ऐसे नहीं होती कि बस दोनों। दूसरा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं कल पढ़ रहा था चीन के बारे में, तो चीन की जो भाषा मैंड्रिन है, लगभग जो जो मुझे समझ आए कि लगभग 2000 वर्षों से उसमें कोई बड़े बदलाव नहीं, और जब मैं और पढ़ रहा था तो इनके जो वैज्ञानिक शोध होते थे या ये बहुत दिनों तक उसको अपने आप में छिपाए रखते थे, तो क्या चीन स्वभाव से ही ऐसा है? चीन रहस्यमय है या धूर्त है? चीन ना तो रहस्यमय है ना धूर्त है, चीन हमेशा से डरा हुआ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में अपनी कॉपी छुपाते रहते हैं, कोई देख ना ले। हाँ हाँ, होते हैं कि बगल वाले का नंबर ज्यादा ना आ जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे विद्यार्थी खुश होते हैं कि भैया हमने लिख लिया, ये पेज ले लो, तुम भी लिख लो। तो सर ऐसा चीन ना तो बताएं, और ये चीन शुरू से डरा हुआ है, डरा हुआ एक, और इसी डर की वजह से वो धूर्त तभी करता है, इसी डर की वजह से। आप 62 की लड़ाई देखिए, 1961 बेलग्रेड सम्मेलन, भारत की और स्थिति और मजबूत हो रही थर्ड तीसरी दुनिया में, भारत का जो बजट है उसका 95% विकास में जा रहा,
अब चीन को दिक्कत हो गई कि उसको डर लग गया कि यार अगर 95% विकास में जाता रहेगा तो 10 साल में तो भारत की स्थिति बहुत ऊंचे हो जाएगी मुझसे, तो भारत को डिस्टर्ब करो। तो चिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बावजूद उसने भारत पर हमला किया, और फिर उसके उसके बाद का आप बजट देखिए, 50% सीधे डिफेंस में चला गया। तो आपके बोले डर, तो ये डर का कुछ इलाज है? एक ऐसा ही डर भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि वो बहुत डरे हुए हैं, और उसमें प्रतिक्रिया ऐसी आती है, इसका कम्युनिटी वाइज या देश के हिसाब से हम क्या निदान हो सकता है, आप क्या सुझा सकते हैं? चीन को तो हम कैसे एक अंबेडकर ने जी दलित समाज को मुख्य धारा में लाकर जोड़ दिया। हालांकि अंबेडकर की जड़ें राजा राम मोहन रॉय और ईश्वरचंद विद्यासागर तक जाती हैं। जी जी। भारत का जो पहला ब्राह्मण है जिसने संस्कृत स्कूलों को दलितों के लिए खोला है वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दलित समाज के लोग संस्कृत पढ़ें, और पुरोहितों का ना तो संस्कृत पर वर्चस्व रहे और ना ही धार्मिक ग्रंथों पर। जी। इसलिए जितना योगदान भीमराव अंबेडकर का है उसी कड़ी में ईश्वरचंद विद्यासागर का भी है। तो जब एक एक अंबेडकर जो अपने समाज के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है और वो अपने समाज की भलाई कर सकता है, तो ऐसे ही एक अंबेडकर की जरूरत है मुस्लिम समाज को और चीन को। चीन को तो जरूरत है एक अशोक वाले भारत की कि हम खुद सब कुछ बनाएंगे। बिल्कुल। हम जब एक छोटी छोटी यूनिटें मजबूत करते हैं, राष्ट्र एक बड़ी यूनिट है जी। अगर राष्ट्र से पहले हम समाज को मजबूत कर लें और समाज से पहले हम परिवार को मजबूत कर लें, तो परिवार और समाज जब जो यूनिट मजबूत हो जाएगी राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। ऐसे हम अगर प्राइमरी सेक्टर को अपने मजबूत कर लें जी जी, सेकेंडरी अपने आप मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना समय दिया हमें। और नहीं नहीं विक्रांत जी, मैं बोलता दूसरा मैं कह रहा था हमारा एक जो चैनल है द फोर्थ पिलर न्यूज जिस पर हम इसे प्रकाशित करेंगे उसके उसके लिए अपील आपसे हो जाती तो और बेहतर होता। नहीं नहीं मैं जो है आप हम आप लोगों से गौरव शर्मा भाई हमारे हैं और कल उन्हीं के थ्रू मेरी आपसे मुलाकात हुई, और आप लोगों का जो उद्देश्य है कि हम समाज को जागृत करेंगे, हम समाज को उसके हर पहलू से अवगत कराएंगे, पत्रकारिता का जो पत्रकारिता को तो फोर्थ पिलर कहा ही गया, बड़ा अच्छा नाम लगा मजा मुझे ये फोर्थ पिलर, बड़ा प्यारा सा नाम लगा। और अगर आप इस फोर्थ पिलर की परिभाषा के अनुसार ही पूरा काम करते चले जाएंगे तो शायद फोर्थ पिलर हिंदुस्तान का वाकई का फोर्थ पिलर बन जाएगा। और मैं लगभग मैं हिंदुस्तान में हमारे जितने भाई बहन हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि कम से कम आपकी ये जो निश्चल दृष्टि है जिससे आप हर चीज को देखना चाहते हैं, किसी एक पहलू पर अटैक नहीं करना चाहते, उसका आनंद सभी लोग उठाएं, उससे सीखें और आप सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचे। हाँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल मैं अपने सभी मित्रों से, भाइयों से, बहनों से सबसे अपील करूंगा कि फोर्थ पिलर एक बहुत ही मतलब ये जो ग्रुप चला रहा है निश्चल ग्रुप है, उसका किसी से कोई बायसनेस नहीं है, तो वो इसे सब्सक्राइब करें और देखें और शायद ये जागरूकता की दिशा में एक बहुत महान कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स समय से मिलते रहें। राम राम।